पैनोरामिक व्यू आ रहा है मुझे जो कि बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस अल्बेनियन चर्च के बाहर। तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है मेरे, मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे। ये क्रिस अल्बेनियन चर्च है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुराना चर्च है ये, और ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जॉर्जियन चर्च है। मैं अंदर जाके आ चुका हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर फिर से आ गया आपके पास एक नए व्लॉग के साथ, और आज मैं हूँ शकी में, जिसको शकी या शेकी भी कहते हैं अजरबैजानी में। एंड ये बहुत पिसल रहा है पे, स्नो हुआ, रात भर स्नो हुआ है यहाँ पे। 17 फेब राइट, सो आज की तारीख है 17 फेब, सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग आ गए हैं शकी में ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शकी का एक पैनोरामिक व्यू आ रहा है मुझे जो कि बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और अजरबैजान के ये जो होटल है इसका नाम है काला रूमा होटल, रूमा काला होटल, जहाँ पे मैं रुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको पूरा शकी दिखता रहेगा। आवाज़ थोड़ी एको हो रही है, रात भर बहुत स्नो हुआ है, टेम्परेचर -5 है अभी फ़िलहाल, और इतनी ठंड में हम लोग आए हैं रूफ टॉप पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो शकी का जो टाउन है काफ़ी मैजिकल है, और आप देख सकते हो ये मैंने पूरे टाउन के ऊपर होटल लिया है, तो पूरा का पूरा अच्छा व्यू आ रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप शकी आओगे तो इस होटल को चूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो जैसे आपने देखा पूरी शकी की सिटी दिख रही है, और मेरा फ्रीज हो रहा है पूरा मुँह। आप देख सकते हो नीचे भी बर्फ़ गिरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी बर्फ़ है ये, यहाँ पर थोड़ा फिसलता है तो थोड़ा आराम से चलता हूँ मैं, मालूम पड़ा फिसल रहा बोल रहा हूँ, खुद ही फिसल रहा हूँ, तो आराम से थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ धीरे धीरे। ओके, मैं इनको पूछता हूँ ब्रेकफास्ट किधर है। ब्रेकफास्ट इज दिस साइड, ओके ओके, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट है ओके। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा कैसल है, और ये मैनेजर है होटल के, ये हम लोग का होटल है। चलो चलते, और फिर हम लोग नीचे आ गए ब्रेकफास्ट की तलाश में। हम लोग को लगा था कि ब्रेकफास्ट ऊपर ठंड में होगा, बट थैंक गॉड यहाँ पे नीचे इतना अच्छा रेस्टोरेंट इन्होंने बना के रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने हम लोग ने एक सीट ले लिया, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने मिल रहा है। वो लोग ने बहुत सारा ऑप्शन दिया था हम लोग को, एग था, चीज़ था, चीज़ और एक बहुत स्टैंडर्ड है। और फिर ब्रेकफास्ट खा के हम लोग निकल पड़े अपने कैब में टूवर्ड्स शकी के नेक्स्ट स्पॉट पे। तो शकी जो है ये 240 किलोमीटर से बाकू से, और एक कॉस्कस माउंटेन रेंज पे आता है जो कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेंस है। यहाँ पे 2700 साल पहले से सेटलमेंट हुई थी शकी में, एंड शकी जो है वो एंशियंट सिल्क रूट का एक पार्ट था जो कि चाइना से लेके यूरोप तक ट्रेड होता था, उसके बीच में शकी आता था। तो आप देख सकते हो हम लोग अभी नेक्स्ट स्पॉट पर जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए आज, तो हम लोग कल आ गए थे शकी में शाम को, रात को एक्चुअली, एंड चेक इन किया हम लोग ने। सुबह हम लोग ने फिर ब्रेकफास्ट किया, अच्छा ब्रेकफास्ट था, अंडा बहुत अच्छा था, मैं आप जैसे मैंने आपको दिखाया ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं, दोपहर के बज गए 1:30, एंड हम लोग जा रहे हैं किश अल्बेनियन टेम्पल की तरफ जो कि थोड़ा शकी के बाहर है। तो हम लोग एक बाहर का रूट लेके जा रहे हैं यहाँ से, एंड ये जो टेम्पल है ये काफ़ी फेमस है बिकॉज ये जॉर्जियन टेम्पल था पहले, फिर बाद में इसको एक आर्मेनियन लोगों ने इसको कैप्चर किया था, एंड अभी फ़िलहाल ये अजरबैजान का पार्ट है। जाके देखते हैं वहाँ पे कैसे होता है, मतलब अभी भी वर्शिप चलती कि नहीं चलती है। मैंने जितना सुना था कि ये बंद रहता है, मतलब ऐसे वर्शिप रेगुलर नहीं होती वहाँ पे, बट हर संडे को मास ज़रूर होता है वहाँ पे, और आज फ्राइडे है इसलिए शायद सब सड़कें बंद लग रही है यहाँ पे। चलते जाके देखते, पहुँचने वाले हम लोग ऑलमोस्ट, पहुँच के मैं आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ कि कैसा है, कि एंट्री फ्री है या कैसा है, और उसके अंदर से आपको बताऊँगा कैसा दिखता है। और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है, आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टियन, पेंटेकोस्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग कॉस्कस माउंटेन के बीच में जा रहे हैं, और आसपास पूरे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। इतनी बर्फ नहीं है, थोड़ी बर्फ कम है, बट अगर दिसंबर में आओगे तो बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और शकी जो है वो 8th century BCE में फाउंड हुआ था, एंड उसके बाद 1st century में कॉस्कस अल्बेनियन स्टेट ने इसको अपने अंडर लिया और अच्छे अच्छे बड़े बड़े चर्च बनाए। देन यहाँ पे जो किस करके ये एक है, मैं अभी आ चुका हूँ किस अल्बेनियन चर्च के बाहर। तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है मेरे पीछे, आप देख सकते हो, और मैंने टिकट ले लिया 4, एक टिकट का है 4 मन्नत, टोटल टिकट मैंने लिया 4, तो 16 मन्नत की मुझे टोटल टिकट आई। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये वाला चर्च है किस अल्बेनियन, और ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ों के एकदम बीच में ये चर्च बनाया है,
तो पहाड़ों के एकदम सास पूरा पहाड़ है और बीच में चर्च है। शकी से थोड़ा सा दूर है बट बहुत अच्छा दिखने में। और ये सामने आप देख सकते हो चर्च है जो सेंट एलाइसा ने बनाया था 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं आज भी ये चर्च वहीं पे खड़ा है जहाँ पे एक्चुअली उन्होंने बनाया था। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे क्रिश्चियनिटी में और जो अर्ली क्रिश्चियंस लीडर थे उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे सेंट एलाइसा। एंड देन आप देख सकते हो कितना मस्त बना है। चर्च तो डिस्ट्रॉय हो गया बट उसका थोड़ा रिमेन बचा है यहाँ पे जो लोगों ने रखा है अभी भी। ऊपर ये ऐसे मस्त लगाया है एंड देन ये उसका जो आपको बाहर से जो बड़ा वाला दिख रहा था स्ट्रक्चर वो है। काफ़ी पुराना चर्च है ये और ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जॉर्जियन चर्च है, जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स है और यहाँ पे आर्मेनियन लोग भी अपना जो भी है प्रेयर करते थे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई प्रेयर नहीं होता है तो ये नॉर्मली अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। संडे को मासेस होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा ठंडा है ये। एंड आप अगर देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एनिमल का मतलब जो भी है अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्ट है विथ बरियल्स। तो यहाँ पे बरी करते थे शायद लोगों को तो उसका क्रिप्ट भी बना के रखा है। बाहर बहुत ठंडी है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो फॉल हो रहा है और ठंड मतलब नहीं बट अंदर थोड़ा सा कम, मतलब इतना नहीं बट थोड़ा सा कम ठंडा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डिज़ाइन काफ़ी सही है और बहुत ही पुराना है। थोड़ा छोटा चर्च है बट एक हिस्टोरिक वे में आप देखोगे तो हज़ारों साल पुराना चर्च है तो उसके हिसाब से काफ़ी सही है। तो चलो चलते हैं बाहर। बाहर से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस ठंड। देखते हैं ट्राई करता हूँ बाहर जाके, फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा आता है। मैं अंदर जाके आ चुका हूँ तो थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, ये आप 10-15 मिनट में कवर कर सकते हो पूरे चर्च को। शकी से थोड़ा सा बाहर है ये एंड यहाँ पे मेरे हाथ जम चुके हैं अभी, बहुत ठंडी है बिकॉज पूरा बर्फ बर्फ आप देख सकते हो, सब जगह बर्फ है, पीछे माउंटेन्स में बर्फ है। हम लोग जब अंदर थे तो थोड़ी सी बर्फबारी हो रही थी एंड काफ़ी ठंडा हो चुका है क्लाइमेट, सर्दी बहुत लग गई है। एंड मैंने कैब बुक किया फिर नेक्स्ट शकी खान पैलेस जाने के लिए, तो कैब वाला जस्ट पहुँच ही रहा है, थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाए। चर्च देखने के बाद हम लोग चल पड़े कुछ खाने के लिए और खाने के लिए हम लोग आ गए थे बाजू में एक कैफे में जो आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रीन्स हम लोग ने ऑर्डर किया है, साथ में ब्रेड ऑर्डर किया है, तो काफ़ी अच्छा डिश था। बहुत दिनों बाद हम लोग ने कुछ अजरबैजानी फूड खाया एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। आप देख सकते हो सामने कैसे खा रहा है अरसलान भी, उसका फूड बहुत टेस्टी था। यहाँ पे आ चुके हैं जो अल्बेनियन चर्च था उसी के बाजू में यहाँ पे कैफे है जहाँ पे अजरबैजानी फूड मिलता है, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ कुछ लिया। ये अरसलान ने मीट लिया है, यहाँ पे खा रहा है अरसलान, देख सकते हो आप। देन मैंने लिया था कुकू, कुकू मतलब वो स्पैनिश और एग मिला के एक डिश बनाते हैं अजरबैजानी, वो था। एंड फिर मेरा देख के मोनिका और स्नेहा ने भी लिया कुकू। पहले वो लोग ने सोचा था कि कुछ नहीं खाएंगे, इनका फूड पता नहीं, बट देन उनको अच्छा लगा तो इसलिए खा रहे हैं वो लोग। तो कैसा है मैं आपसे इनसे ही आप बात कर लो, कैसा आपको मालूम पड़ेगा, कैसा लग रहा है तुम लोग को मोनिका एंड स्नेहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये आई गेस पहली बार हम लोग अजरबैजानी फूड ट्राई कर रहे हैं अजरबैजान आने के बाद। तो ये लोग ने इसको बनाया ग्रीन्स और एग के साथ और इसका नाम है कुकू। ये कुकू का जादू नहीं है, ये कुकू का डिश है, ठीक है। तो चलो फिर अभी ये खा के निकलते हैं हम लोग यहाँ से, कैब करके जाते हैं शकी खान पैलेस। और खाने के बाद हम लोग ने कैफे को देखा, कैफे में बाहर बैठने का भी ऑप्शन है बट बाहर का ऑक्यूपाइड था, हम लोग इसलिए अंदर गए थे। और अंदर अच्छा भी था क्योंकि अंदर हीटर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर ये आंटी ने हमको बुलाया, बोला देखो हम लोग कैसे बनाते करके, इन्होंने वीडियो के लिए ये बताने लग गए। काफ़ी अच्छे लोग यार, बहुत वार्म लोग है। आप जितना टाउन्स में जाओगे उतने आपको पीपल जो रहेंगे वहाँ के वार्म लगेंगे। एंड देन आप देख सकते हो अच्छे से हम लोग ने लिया वीडियो और निकल गए बाहर ये कैफ़े के। देन यहाँ से हम लोग ने बाहर आने के बाद देखा वापस से कि सेल्विनियन टेम्पल को एंड फिर हम लोग ने कैब बुक किया। कैब वाला थोड़ा आगे आया था, कैब कर रहे हम लोग जाने के लिए हम लोग के नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है शकी में। ओके, तो हम लोग अभी कैब में आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग ने एक कुकू खाया जो कि एक लीफी ग्रीन ग्रीन्स के साथ एग वाली डिश थी। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर है जो हम लोग को लेके जा रहे हैं, इनका नाम है फैक। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शकी खान पैलेस। तो बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है यहाँ शकी की। 13th-14th सेंचुरी में इसको शिरवनशाह ने रूल किया था, बट ये सब नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ मैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मेरे पीछे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शकी खान का म्यूजियम है, पैलेस 50 मीटर थोड़ा आगे है, तो चलो पैलेस जाके देखते हैं कैसा है। तो ये है शकी खान का पैलेस मेरे पीछे आप देख सकते हैं।
ओके, तो मैंने अभी जस्ट पैलेस का टूर ख़त्म किया, तो मैंने एक गाइडेड टूर लिया था विद अ गाइड, तो गाइड के साथ टूर का मुझे पड़ा 5 मन्नत, तो हम लोग ने सोचा कि डिवाइड कर लेते चारों में। पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी थी, मुझे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बकलावा है, थोड़ा सा अलग टाइप का, अजरबैजान टाइप का, थोड़ा अजरबैजान का थोड़ा बकलावा है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बकलावा है। मैं आपको बताता हूँ पे काफ़ी ज़्यादा मैजिकल सनसेट हो रहा है। मैजिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको देख सकते हो सामने